Atomic Energy and Department of Space, Sri Jitendra Singh ji. My warm welcome to all the ministers. After the briefing, we'll take a few questions. Thank you. Over to you, sir. आदरणीय जावड़ेकर साहब, आदरणीय जितेंद्र सिंह जी, आदरणीय जीजी साहब, उपस्थित सभी मित्रों, नई सरकार बनने के पश्चात आज पहली मंत्रिपरिषद की बैठक प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। पिछली सरकार के दौरान भी आप सबके ध्यान में है कि प्रधानमंत्री जी का ध्यान कृषि क्षेत्र पर काफी गंभीरता से रहा है और प्रधानमंत्री जी ने उस समय भी यह कहा था कि किसान की आमदनी 5 वर्ष में दोगुनी करने का प्रयास हम करेंगे और इसलिए पिछले दिनों कृषि का उत्पादन बढ़े, उत्पादकता बढ़े, इस दिशा में प्रयत्न हुआ। फसल की लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य किसान को मिले, यह सुनिश्चित मोदी जी की सरकार ने किया। सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाई, खाद बीज की पर्याप्त मात्रा में समय पर उपलब्धता हो, यह भी सुनिश्चित किया और खरीद समर्थन मूल्य पर अधिक से अधिक हो, इसके लिए सब राज्यों को प्रोत्साहित भी किया। और इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री जी को यह लगता था कि कृषि का क्षेत्र मुनाफे का क्षेत्र बनना चाहिए, इसलिए सरकार के खजाने की राशि किसी न किसी योजना के माध्यम से किसान की जेब तक पहुंचे। इसलिए पिछले दिनों पीएम किसान सम्मान योजना सृजित की गई और उस योजना में 6,000 रुपया प्रति वर्ष लघु और सीमांत किसान जो 2 हेक्टेयर से कम जोत वाले हैं इनको दिया जाए, यह सुनिश्चित हुआ। बहुत सारे राज्यों ने उसमें सूचियां नहीं भेजी तो उन राज्यों को तो यह नहीं मिला, लेकिन 3 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में इस योजना के माध्यम से पैसा पहुंच गया। बीच बीच में यह बात भी आती थी कि किसानों में वर्गीकरण नहीं होना चाहिए, किसान माने किसान है, तो सभी किसानों को ये राशि सहायता के रूप में दी जानी चाहिए। तो अभी तक जो प्रावधान था उस प्रावधान के अंतर्गत 12.5 करोड़ किसान इस योजना के अंतर्गत कवर होते थे। 2 करोड़ किसान ऐसे थे जो अभी इस योजना से छूट रहे थे।